सो हेलो गाइस, सो वी आर चलते गेम में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज के शोड़ा के अंदर मतलब वही टेक न्यूज़ है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको सारी टेक न्यूज़ बता देता हूँ। उनका काफ़ी सारे लोगों ने बोला था मुझे कमेंट में कि भाई ऐसे गेमिंग करते करते आप वीडियोज़ बनाओगे तो चलेगा, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो हाँ, तो अब चलिए पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर मोटोरोला से। जी हाँ, मोटोरोला दोस्तों अपना एक मोटो जी 5G ये जो फ़ोन है ये 30 नवंबर को मोटोरोला इंडिया में लॉन्च करने वाला है। यस, मोटोरोला इंडिया ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो 30 नवंबर को अपना ये जो फ़ोन है वो लाने वाले हैं, मोटो जी 5G। यस, तो हाँ इसमें आपको 765G ही मिलने वाला है शायद, होपफुली। तो देखते हैं कौन सा प्रोसेसर आता है और कितना खास होता है, क्या प्राइसिंग होती है, ये तो हमें 30 नवंबर को ही पता चलेगा। वैसे आप एक्साइटेड हो मोटो जी 5G के लिए, कमेंट करके बता सकते हैं। और बाय द वे इंडिया में लॉन्च होने वाला है 30 नवंबर को। चलो उस बात का तो अगला खबर क्या होने यहाँ पर दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 सीरीज़ जो कि ऑब्वियसली हमें दिसंबर में देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों इसके कैमरा स्पेसिफिकेशंस जो लीक हो चुके हैं, जो कि है दोस्तों आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। यस, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो इतनी न्यूज़ है, और बता दें स्नैपड्रैगन 765G आपको मिल जाएगा। देखते हैं कब तक ये आता है इंडिया में, दिसंबर में आने वाला है लेकिन कब तक, तो ये हमें तभी पता चलेगा। चलिए उस बात का तो अगला खबर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, एप्पल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एप्पल सीरियसली लिमिट्स क्रॉस करने वाला है अगर इसने ये चीज़ कर दिया ना। तो आपको पता है आईफोन 12 सीरीज में उन्होंने चार्जर निकाल दिया बॉक्स से, और जो ईयरफोन्स होते हैं वो तो ठीक है, तो हाँ। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू जॉन प्रॉसर, ये एक यूट्यूबर है, उन्होंने ऐसा कहा कि एप्पल जो है वो आईफोन 13 सीरीज जो आने वाली है उसमें पोर्ट से नहीं देगा। यस, मतलब चार्ज ही कैसे करोगे पोर्ट से, आपको नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड, सीरियसली यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, अब देखते हैं आईफोन 13 सीरीज में क्या रियल रहता है नहीं रहता है, ये तो जब आएगा तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। चलिए साथ में अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, TWS जो कि क्या आप लाइक ईयरबड्स होते हैं वैसे की बात कर रहा हूँ, जो वायरलेस होते हैं, मतलब TWS ईयरबड्स आपको पता होगा। जी हाँ, इसके दोस्तों Q3 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें दोस्तों बोट जो है वो लीड कर रहा है कि भाई किसने कितने और कितने परसेंट बेचे हैं अपने लाइक ईयरबड्स TWS, तो उसमें बोट लीड कर रहा है दोस्तों। सेकंड सोनी है, थर्ड शाओमी है, फोर्थ रियलमी है, और फिफ्थ है एप्पल। यस, और JBL फिफ्थ है, एप्पल सिक्स्थ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई TWS इतने लोग ले रहे हैं सिर्फ 3 महीने में, मतलब Q3 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से लेकर अब तक। तो यस, 723% ग्रोथ हुई है TWS मार्केट में, तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, वैसे आप यूज़ करते हो TWS, अगर यूज़ करते हो तो कौन से है? वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों जिस खबर का आपको था इंतज़ार वो खबर आ चुकी है, PUBG मोबाइल इंडिया। ये जो गेम है ये आपको कभी भी मतलब कभी भी आँख झपकते ही मिल जाएगी, पलक झपकते ही ये गेम मिलने वाली है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गूगल प्ले स्टोर इंटरनल लीक्स ऐसा पता चल रहा है कि जैसे ही ये गेम का ट्रेलर वगैरह कुछ लॉन्च होगा सीधा ये गेम जो है वो प्ले स्टोर में चली जाएगी। और कल की टेक न्यूज़ में या फिर थोड़े दिन के टेक न्यूज़ पहले मैंने बताया था कि भाई गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया कि भाई लेके आओ, और कंपनी भी बन गई है पबजी मोबाइल इंडिया। तो अब देखते हैं, बस गेम आने की देर है, गेम प्ले वगैरह सब करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको सब बता दूंगा। वैसे आप एक्साइटेड हो इस गेम के लिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उस बात का अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, रेडमी नोट 9 5G ये जो फ़ोन है ये बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, तो हाँ देखते कब आता है ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज के टेक न्यूज़ आप खत्म हो जाती है, मत करो आज के टेक न्यूज़ पसंद आएंगे, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले के साथ, ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।